देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है और प्रदूषण के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है। कई इलाकों में जो हवा की गुणवत्ता है उसे जब मापा गया तो वो वेरी पुअर क्वालिटी में आ रही है, यानी कि बहुत खराब श्रेणी में मापी गई। और पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी खराब श्रेणी से बेहद खतरनाक और खराब जैसी श्रेणी में पहुंच गई है। देश की राजधानी की बिगड़ती हालत को संभालने में दिल्ली सरकार और सिविक बॉडीज नाकाम रही है। तो AQI ग्रिड लेवल जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर हवा जो है वो खराब से बेहद खराब और खतरनाक होती जा रही है। मेरे साथ आलोक यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, आज सुबह की जो तस्वीर है दिल्ली NCR की, वो इतनी धुंधली है कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। माना कि सर्दियां आने वाली है, लेकिन ये जो धुंध दिखाई दे रही है, ये जो फॉग दिखाई दे रहा है, ये फॉग नहीं स्मॉग है। प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि अब दिल्ली सरकार हो, सिविक बॉडीज हो, उनकी नाकामी साफ दिख रही है। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम ये खबरें दिखा रहे हैं और दिल्ली सरकार बार बार कह रही है, अपने कदम जो उठा रही है उनकी भी बात कर रही है, लेकिन बदलाव कुछ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, सारे प्रयास जो हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए और फाइलों पे ही है। मैं फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। गौरी, देखिए ये अक्षरधाम मंदिर है और अक्षरधाम मंदिर अभी हमने पिछले हफ्ते आपको तस्वीरें ऐसे ही कुछ दिखाई थी, लेकिन तब जो AQI लेवल था वो पुअर कैटेगरी में था और हल्का फुल्का जो बिल्डिंग थी, जो जिसको हम कहते हैं जो इमारत थी, वो हल्की फुल्की दिखाई दे रही थी। आज काफ़ी धुंध है जिसके कारण नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पेड़ पौधे अगर आप देखना चाहें जंगल की तरफ, हमारे कैमरा पर्सन अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं तो वहां भी आपको नहीं दिखाई देगा। आप यहीं से देखिए, अक्षरधाम मंदिर के आसपास और उसके थोड़ा सा पीछे के साइड पे जाएंगे तो पेड़ वगैरह हैं, जंगल का इलाका है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये पूरी तरह से स्मॉग है, धुआं है और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन है वो है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हैं। ये सारे चीज़ों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार हो या सिविक एजेंसी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कहीं भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी दिखाई और अभी भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अभी भी हमारा ग्राउंड टेस्ट चल रहा है जिसमें हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जिस तरीके से काम करना चाहिए वो तरीके से काम नहीं होता है, केवल दिखावा ही होता है। अभी फिलहाल दिल्ली में गाड़ियों को लेकर के जो क्लेम किया गया था कि गाड़ियां अगर रेड लाइट पर रुकती हैं, बंद कर दिया जाता है तो उससे पोल्यूशन कम होगा, 3 दिन बीत चुका है उस कैंपेन को, वो भी सिर्फ देखने के लिए ही होता है। मंत्री लोग जाते हैं, रेड लाइट पर खड़े होते हैं, लोगों से अपील करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत फॉलो करते दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बस वैसे ही है, ढाक के पात वाली चीज़। आप देखिए इधर से जो मेट्रो स्टेशन है, ये मयूर विहार, ये अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन है, हम आपको बता रहे हैं, वो भी आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा। तो ये साफ दिखाता है कि सारे प्रयास जो हैं वो असफल ही हैं फिलहाल। लेकिन जो अगर हम बात करें तो पर्यावरण विशेषज्ञों की, तो उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में स्थिति और ख़राब होने वाली है। 300 के पार कैटेगरी पहुंच चुकी है वेरी पुअर, अब सीवियर अगर 400 तक पहुंचती है तो सीवियर कैटेगरी में चला जाएगा AQI लेवल, और उस समय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऑलरेडी कोरोना चल रहा है, पोल्यूशन का लेवल और बढ़ जाएगा, दिवाली नज़दीक है और हमें मालूम है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि हवा में जो है, जो अगर हम कहें तो एनवायरमेंट में हवा नहीं रहती है, थोड़ा मॉइस्चर रह जाता है और जो पोल्यूशन आता है वो टिका रह जाता है, उड़ता नहीं है और कहीं जाता नहीं है। तो ये जो समस्या है वो आगे आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कर पाती है, क्योंकि हर साल पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं ऐसा ही होता है और लोगों को इसी तरीके से जीना पड़ता है दिल्ली में। बिल्कुल आलोक, आपने सही कहा, हम सब देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से इसी तरह की स्थिति अक्टूबर नवंबर के महीने में बढ़ती है, कई बार पूरा नवंबर भी निकल जाता है, दिसंबर आते आते भी इसी तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, पराली जलाए जाने की बात वो कर रहे थे, उसे जिम्मेदार ठहराए रहे थे, कंस्ट्रक्शन रोकने की बात यहाँ पर कर रहे थे और जिस तरह से स्प्रिंकलर्स, वाटर स्प्रिंकलर्स के यूज़ की भी बात उन्होंने कही थी। अब ये तस्वीर जो आपने दिखाई अक्षरधाम की तस्वीर है, लेकिन मैं अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करूं, NCR की बात करूं,
बदला कुछ खास नहीं है। ऐसे में अब समय आ गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने, या यूं कहें कि केंद्र सरकार ने भी अगर कुछ अहम कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। जी गौरी बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन आता है उसका एक ही कारण नहीं है, केवल पराली नहीं है, यहाँ पर दो और कारण है जो सबसे बड़े कारण है। एक तो गाड़ियां हैं, गाड़ियों की संख्या डेली बढ़ती चली जा रही है, रुकती नहीं है, रजिस्ट्रेशन रोज ही होता है गाड़ियों का, लगभग 300 से 400 रजिस्ट्रेशन जो होता है वो गाड़ियों का रोज होता है, नई गाड़ियों का। और जो है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी दिल्ली सरकार की कुछ है नहीं, जिसके कारण लोगों को डिपेंडेंसी प्राइवेट व्हीकल के ऊपर होती है, तो गाड़ियों की संख्या इस कारण से बढ़ती जाती है। साथ ही साथ जो है जो डस्ट पोल्यूशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप दिल्ली में या NCR में आप जगह जगह जाइए, चाहे गुड़गांव नोएडा, आपको हर जगह खुदाई होती दिखाई देगी, घर बनता दिखाई देगा, और उसके कारण और वहाँ पर जो है जो धूल होती है उसको बैठाने की कोई प्रक्रिया खास होती नहीं है। इंस्पेक्शन टीम जो है दिल्ली सरकार की, या जिसको हम कहते हैं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, उनकी संख्या बड़े कम है, जो उसमें ऑफिसर्स है वो बड़े कम है, वो जाते नहीं है, या जाते भी हैं तो ठीक से इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। क्योंकि हम अभी भी देखते आए हैं जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर खुला जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पर कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा, या पानी का छिड़काव हो या कुछ इस तरह की चीज़ें हो, तो ये सब चीज़ें कारण है पॉल्यूशन बढ़ते रहने का और कुछ ना कुछ कम नहीं होने का। और अभी फिलहाल ये देखना होगा कि क्या आगे होगा। अगर हम जैसे दिल्ली के अलावा थोड़ा आसपास NCR की बात करें तो कई सारी जगह, मतलब अगर गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और साथ ही साथ फरीदाबाद की बात करें, सभी जगह वेरी पुअर कैटेगरी में है। दिल्ली में कुछ जगह पर खासतौर पे जो हॉट स्पॉट दिल्ली गवर्नमेंट ने हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं 13, उन हॉट स्पॉट की स्थिति 400 से ऊपर पहुंच चुकी है AQI का, तो इसका मतलब है कि वहाँ सीवियर कैटेगरी हो चुका है। अब उस हॉट स्पॉट पर कई सारे जो है मेजर्स दिल्ली सरकार ने लिए हैं कि वहाँ पर जो है स्प्रिंकलर यूज़ हो रहा है कंटिन्यूअस, साथ ही साथ वहाँ पर जो है एंटी स्मॉग गन लगाई गई है। लेकिन अगर वहाँ पर भी इस स्थिति में जो AQI है पहुँच जा रहा है बार बार, और अब क्योंकि यहाँ दिल्ली में नॉर्मल पूरा ओवरऑल दिल्ली का हम बता रहे हैं वेरी पुअर कैटेगरी, लेकिन जो हॉट स्पॉट 13 हॉस्पिटल हॉट स्पॉट है, उन 13 हॉट स्पॉट की स्थिति जो है वो 400 से ऊपर है और वहाँ पर सीवियर कैटेगरी में पहुँच चुका है AQI लेवल। तो ये पूरी तरह से जो सरकार के जो जितनी भी प्रणालियां हैं उसको बताती है कि कितनी फेलियर है सरकार की तरफ से। पोल्यूशन के नाम पर बस केवल राजनीति होती आ रही है, सारे स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते जाते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन कहीं पर भी कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आलोक, और इसका खामियाजा जो भुगतता है वो आम आदमी होता है, क्योंकि घरों में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी सेहत पर सबसे ज़्यादा असर होता है। ऐसे में हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप, क्योंकि दिल्ली NCR में अगर रहते हैं तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, आप अपने घरों से ना निकले, अपने घरों के अंदर ही रहें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। शुक्रिया आलोक, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुँचाने के लिए।